एक दो तीन चार पाँच। दोस्तों पाँच कैमरा वाला स्मार्टफोन नोकिया 9 प्योर व्यू बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि जो स्मार्टफोन MWC 2019 में लॉन्च किया गया था वो स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि HMD ग्लोबल ने ऐसे टीच कर दिया है कि ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही जल्दी, मतलब मुझे लगता है दोस्तों अप्रैल के महीने में आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नोकिया 9 प्योर व्यू का पूरा स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया में ये स्मार्टफोन किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर लॉन्च होने वाला है। दोस्तों वीडियो आखिर तक देखते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मेटल प्लस ग्लास फिनिशिंग जैसा आपको देखने को मिलेगा, मतलब साइड में आपको मेटल देखने को मिलेगा एल्युमिनियम फिनिश, और आपको पीछे के साइड आपको ग्लास फिनिशिंग देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन का एक खास बात है, 2019 में यहाँ पर आपको नॉच वाला डिस्प्ले नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको 18.5:9 का नॉर्मल आपको 6 इंच का आपको डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, और ये डिस्प्ले क्वाड HD डिस्प्ले के साथ आएगा, मतलब क्वाड HD प्लस डिस्प्ले के साथ आएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको 1440 आपको पिक्सल साइज आपको देखने को मिलेंगे, मतलब जो स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन होने वाला है दोस्तों कहीं ज़्यादा इस बार बेटर होने वाला है नोकिया 9 प्योर व्यू में। और यहाँ पर आपको OLED डिस्प्ले मिलने वाला है, मतलब यहाँ पर आपको जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा, मतलब OLED डिस्प्ले मिल रहा है। यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों नोकिया की तरफ से ये ऐसा एक पहला स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है। और ये डिस्प्ले का जो खास बात है दोस्तों, यहाँ पर आपको HDR10 का सपोर्ट के साथ ये डिस्प्ले आएगा, मतलब यहाँ पर आपको जो क्वालिटी है ना दोस्तों कहीं ज़्यादा आपको बेटर देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे कि आपको बताया यहाँ पर आपको 5 कैमरा देखने को मिलेगा, 3 होने वाला है मोनोक्रोम सेंसर मतलब ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर, और जो बाकी के जो 2 सेंसर होने वाला है ये होने वाला है RGB सेंसर। सारे का जो एपेचर होने वाला है f1.8 का होने वाला है, मतलब यहाँ पर आपको लो लाइट फोटोग्राफी भी बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाला है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आपको जो RGB प्लस मोनोक्रोम क्यों मिल रहा है, दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको RGB मोनोक्रोम इसीलिए मिल रहा है 5-5 कैमरा कि आप जब फोटोज़ खींचेंगे तो आपको 5 जगह पर यहाँ पर आपको फोकस देखने को मिलेगा, जो फोटोज़ का जो डायनामिक रेंज है बहुत ही ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा नोकिया 9 प्योर व्यू स्मार्टफोन में। और यहाँ पर आपको फ्रंट में भी 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, 4K का रिकॉर्डिंग आपको रियर साइड में भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आते हैं स्मार्टफोन का प्रोसेसर, जो मेन चीज़ होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करें तो प्रोसेसर मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 855 का ज़माना है, लेकिन यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 845 चिपसेट मिलेगा जो एक 10 नैनोमीटर का चिपसेट है, और यहाँ पर आपको आर्डिनो का 630 का आपको GPU देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों बोल देता हूँ ये जो चिपसेट है बहुत ही ज़्यादा बेटर चिपसेट है, कहीं ज़्यादा आपको लैग भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आपको UI देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 1 के साथ आ रहा है, पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। और आपको नोकिया का अपडेट तो आप सभी लोगों को पता है कि कितने जल्दी जल्दी नोकिया अपडेट प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता था कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए हुआ क्योंकि 845 मुझे लगता है नहीं देना चाहिए था, तकरीबन 855 देना चाहिए था, क्योंकि वो एक 7 नैनोमीटर का चिपसेट है, 845 से तो 8 कहीं ज़्यादा बेटर होगा 845 से 855। दोस्तों ये स्मार्टफोन आएगा IP67 सर्टिफाइड के साथ, मतलब यहाँ पर आपको डस्ट रेजिस्टेंस वाटर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन में आपको 3.5mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा, टाइप सी का पोर्ट तो देखने को मिल जाएगा लेकिन 3.5mm जैक ये स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा। 3320mAh का बैटरी मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगा ये वाला स्मार्टफोन में, आपको 18W का नॉर्मल आपको टाइप सी के थ्रू आपको फास्ट चार्जिंग भी वाला स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब आते हैं ये स्मार्टफोन का प्राइस और कब लॉन्च होगा ये स्मार्टफोन। दोस्तों लॉन्च की बात करें तो ये स्मार्टफोन की जैसे उम्मीद हम कर सकते हैं कि अप्रैल के महीने में लॉन्च हो सकता है। प्राइस के बारे में बात करें तो तकरीबन यहाँ पर आपको 45,000 से 50,000 के आसपास लॉन्च हो सकता है, क्योंकि जब MWC 2019 में लॉन्च हुआ था प्राइस रखा हुआ था 48,500 ऐसा कुछ रखा गया था। तो मुझे लगता है दोस्तों ये स्मार्टफोन जब इंडिया में लॉन्च होगा तकरीबन 49,999 तो रहने वाला है, लेकिन अगर ये 39,999 के साथ लॉन्च होता है तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्टफोन को कड़ा टक्कर जरूर देगा, क्योंकि इसका जो कैमरा होने वाला है दोस्तों कहीं ज़्यादा बेटर होने वाला है इस प्राइस ब्रैकेट में। मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट कैमरा में से एक ये स्मार्टफोन में होने वाला है। दोस्तों आप नोकिया 9 प्योर व्यू का अगर वेट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो मुझे कोई ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है क्योंकि अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।